कल शाम में के समय में मंडल कारा के जस्ट बगल में जमीन संबंधी विवाद में गोलीबारी हुई थी और गोलू यादव को बुरी तरह से हॉकी स्टिक और डंडा के साथ मारपीट किया गया था घेर के, और उसके बाद दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर किया गया था। इसमें सूचना पाकर मुफस्सिल थाना के GSI के द्वारा वहाँ विलंब पहुँच कर ये जो वायरलेस पे इंटीमेट किया गया था, सबसे पहले पेट्रोलिंग ही पहुँची स्क्वाड पे और वहाँ से मिट्टू पासवान की गिरफ्तारी हुई है। दो केस इसमें दर्ज किया गया है, एक गोलू यादव के पिताजी साधु यादव जी के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है, और उसके बाद उसी में राहगीर के रूप में स्कॉर्पियो गाड़ी से जब जा रहा था उसके साथ भी बेतहाशा मारपीट करके गाड़ियों को क्षति कराया गया, उसके बयान पर भी FIR हम लोगों ने दर्ज किया है। इस प्रकार से दो FIR दर्ज हुआ है, इसमें मिट्टू पासवान की गिरफ्तारी ऑन स्पॉट हुई है और मेन इस पूरे प्रकरण का सरगना छोटू पासवान है, जिसकी धरपकड़ और उनके साथ में जितने भी उनके गुर्गे हैं उनको पकड़ने के लिए DSP सदर के नेतृत्व में हम लोगों ने SIT का गठन कर दिया है, और SIT टीम एक्सेल भी है, उसमें सब लोग अपना बखूबी काम कर रहा है, और हमको ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जितने भी इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्त में ले आकर माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों को प्रस्तावित